अस्सलामुअलैकुम। तो आ गया है मेरे पास वीवो का मिड रेंज फ़ोन Y17s, और ये मिड रेंज फ़ोन के साथ साथ एक अच्छा सेल्फी कैमरा भी आपको दे रहा है Y17s। लेकिन क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स कैमरा, और उसके बाद सबसे लास्ट में डिज़ाइन, क्योंकि डिज़ाइन भी मैटर करता है। तो यहाँ पर Y17s में एक ट्रेंडी डिज़ाइन आपको दिया गया है, एक अच्छा सेल्फी कैमरा दिया गया है, परफॉर्मेंस के लिए भी इसमें ठीक ठाक चिपसेट दी गई है। इसको करते हैं अनबॉक्स, लेकिन सबसे पहले बॉक्स के ऊपर कुछ डिटेल्स हैं। तो Y17s की ब्रांडिंग है और बड़ा ही डिसेंट सा बॉक्स है। इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम एंड लार्ज स्टोरेज दी गई है, 50 MP पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले आपको बहुत ब्राइट दिया गया है, और एक बड़ी बैटरी 5000 mAh की दी गई है। तो अब हमने इसको करना है अनबॉक्स। सबसे टॉप पे डिवाइस मिलती है, इसके साथ हमारे पास क्या है, और इसके अंदर इसका है ये कवर केस, कुछ पेपर वर्क है, और यहाँ पर है हमारे पास चार्जर, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और हमारे पास है टाइप सी केबल, सिम इजेक्ट टूल भी मिलता है हमें। तो स्टोरेज आपको 128 GB मिलती है इसके अंदर, एक मिड रेंज के हिसाब से ठीक है। वीवो Y17s डिज़ाइन देखें, खूबसूरत डिज़ाइन है, और सबसे जो बड़ा चेंज मुझे लगा वो ये है कि कैमरा मॉड्यूल नहीं है, यानी कि आपको लगता है कि एक ही पैनल पे कैमरा लेंस भी हमें दिए गए हैं। तो ये जो लाइन नज़र आ रही है सिल्वर सी, ऐसा लगता है कि कैमरा मॉड्यूल है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट है। तो ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंडी है, खूबसूरत डिज़ाइन है, नो डाउट। डिवाइस का कलर बहुत प्यारा है, ग्लिटर पर्पल कलर बहुत खूबसूरत है, एजी टेक्सचर डिज़ाइन दिया गया है। तो डिवाइस का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही कंफर्टेबल इसकी ग्रिप है, सिल्की स्मूथ फिनिश लुक के साथ ये आ रहा है। मतलब लाइक इस पर आप इसको ऐसे टच करेंगे तो ये बड़ा सिल्की और बड़ा स्मूथ सा लग रहा है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्पंजेस भी नहीं बनेंगे। तो इसको अगर आप कवर ना भी लगाएं तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी ये डिवाइस। तो यहाँ पर अनलॉक करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है साइड माउंटेड, और फेस अनलॉक भी इसके अंदर मौजूद है, तो आप बगैर किसी एफर्ट के आप इजीली इसको अनलॉक कर सकते हैं। बॉटम पे स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, ऑडियो जैक, और टॉप पे आपको मिलती है सिम स्लॉट। तो यहाँ पे ड्यूल रियर कैमरा दिए गए हैं, 50 MP HD मेन कैमरा है, और 2 MP का इसमें बूके कैमरा है। फ्रंट कैमरा है इसका 8 MP का, जो कि आपको पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है, और पोर्ट्रेट कैमरा पहले भी वीवो ने अपनी मिड रेंज सीरीज़ में लेकर आया है, और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। अगर आप इस बजट में कोई अच्छा फ्रंट कैमरा चाह रहे हैं, या अगर आप अच्छा बैक कैमरा चाहते हैं। तो स्क्रीन साइज़ है 6.56 इंच का डिस्प्ले है, 700 nits स्क्रीन ब्राइटनेस है। तो स्क्रीन बहुत ब्राइट है, इसका मतलब यह है कि 700 nits अगर आपको ब्राइटनेस दी गई है तो पीक ब्राइटनेस की जाती है 840 nits तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले बहुत इन्हेंस है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो सनलाइट में आपको कोई भी इस तरह का इशू नहीं होगा विजिबिलिटी का, और स्क्रीन जितनी ब्राइट होती है इतना ही कंटेंट देखने में मज़ा आता है। और यूजुअली आपको इतना ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले नहीं मिलती है, इवन वीवो की ही वाई सीरीज़ में मैंने इतना ब्राइट डिस्प्ले अब तक नहीं देखा, थोड़ा सा फीका सा होता है, ये काफ़ी ब्राइट है, और इसको देख के वाकई अच्छा लग रहा है। इवन अगर आप YouTube पे कोई वीडियोस देखते हैं, गेमिंग करेंगे, तो कलर्स आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। इसमें 6 GB रैम दी गई है, लेकिन 6 GB रैम आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम 3.0 यूज़ किया गया है, जिससे आपके फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अच्छी होगी, फास्ट होगी। मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपको किसी भी तरह का लैग नहीं होगा, डिवाइस की परफॉर्मेंस तेज़ होगी, अच्छी गेमिंग भी इवन आप इसमें कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन बहुत अच्छा है जो 6 GB एक्सटेंडेड रैम आपको दी गई है, क्योंकि मिड रेंज डिवाइसेज में वैसे इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया जाता। ऑल्दो आपको 6 GB मिल जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड रैम का फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिवाइस है वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म करती है। कैमरा की बात की जाए, 50 MP इसमें मेन कैमरा मिलता है। तो यहाँ पर पिक्चर्स को अगर आप देखें तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स हैं, तो काफ़ी ब्राइट पिक्चर्स भी हैं, इनसाइड आउटसाइड दोनों आप इसकी पिक्चर्स को इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग आपको मिलती है, क्योंकि यहाँ पर HD कैमरा दिया गया है, तो HD में आपको कलर्स वैसे ही बहुत अच्छे मिल जाते हैं। 2 MP का बुके कैमरा है, बुके कैमरा से रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतर है, मैं कहती हूँ काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। फ्रंट कैमरा है इसका 8 MP पोर्ट्रेट कैमरा, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा की पिक्चर्स भी ठीक ठाक हैं। 8 MP से पिक्चर कभी भी अच्छी नहीं आती, बट यहाँ पर क्या ऐड किया गया है, HD और पोर्ट्रेट कैमरा, उससे पिक्चर्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिले। तो यहाँ पर बुके फ्लेयर मोड भी मिलता है, जिसमें आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ बुके फ्लेयर्स पिक्चर्स ले सकते हैं, कलेक्शन आपके पास बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट मोड्स एंड टोन्स हैं आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट भी मोड है इसके अंदर, अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, और यहाँ पर स्टाइलिश नाइट फिल्टर्स भी मिलते हैं आपको, अगर आप फिल्टर्स को यूज़ करते हैं तो भी आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे।
128 GB इसमें मेमोरी है, तो मेरे ख्याल में आपकी डेली रूटीन के लिए ये मेमोरी काफ़ी ज़्यादा है। तो यूज़र इंटरफेस की बात करें तो इसमें आपको OS मिलता है फन टच OS 13। मुझे इसमें फ़ीचर्स बड़े अच्छे लगे, लाइक अगर आप इसके OS की बात करते हैं, स्पेशली प्राइवेसी फ़ीचर्स इसमें बहुत अच्छे हैं। एक तो मल्टीपल प्राइवेसी प्रोटेक्शन फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं, तो किसी भी तरह की आपको अगर आप किसी भी तरह के प्राइवेसी चाह रहे हैं, किसी इवन ऐप भी, जैसे कि इसमें स्क्रीन पिनिंग है और मुझे सबसे अच्छा वो ऑप्शन लगता है, आप अपनी स्क्रीन को पिन कर सकते हैं, तो कोई भी अगर आपका फ़ोन यूज़ करना चाहता है तो इवन आप ख़ुद भी, तो वो पिन हो जाती है तो इजीली आप देख सकते हैं। इसमें एल्बम्स की प्राइवेसी है, इंक्रिप्शन आपको दी गई है, तो आप अपने फ़ोटोज़ को शेयर करें विदाउट शेयरिंग डिटेल्स, तो यहाँ पर लोकेशन को रिमूव कर सकते हैं, तो पर्सनल डाटा आपका बहुत सेफ रह सकता है इसके अंदर। इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड मिलता है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप दो वीडियोज़ दो विंडोज़ एक साथ ओपन करके देख सकते हैं, एक विंडो में आप वीडियो देखें, एक में आप कोई चिट चैट करना चाहते हैं। शॉर्टकट्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, स्विच गो बैक कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप अपने ही फेवरेट जितने भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैंने देखी है इसके अंदर। इसके OS में एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड इसका मुझे OS लगा। बैटरी है इसमें 5000 mAh की, मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी, अब बैटरी 5000 mAh की बैटरी का ये मतलब नहीं है कि बैटरी बहुत बड़ी होगी, बैटरी लाइफ बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम पे 13 hours से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, या अगर आप ऑनलाइन कोई भी वीडियोस देख रहे हैं तो 19 hours आपका साथ देगी ये। गेमिंग अगर आप करते हैं, स्पेशली पबजी जैसी हैवी गेमिंग, तो 5 से 6 घंटे आपको दे सकता है ये बैटरी। और ऑनलाइन अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ऑनलाइन स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं या कोई और इस तरह की वेबसाइट पर ऑनलाइन म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, तो 60 hours ये बैटरी आपका साथ दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बैटरी लाइफ बहुत मैटर करती है, बड़ी बैटरी अच्छी भी होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट चार्जिंग इंजन है जो कि आपके फ़ोन को बहुत ही सेफली और क्विकली चार्ज करेगा। तो वीवो Y17s के बारे में एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि डिज़ाइन वाकई ट्रेंडी है, खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, ग्लिटर पर्पल। तो ये पर्पल कलर वो उस तरह का पर्पल नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होता है आँखों को लगता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, आजकल के हिसाब से एक स्टाइलिश फ़ोन मैं कहना चाहूँगी। और इसके साथ कैमरा इसके ठीक ठाक लगे मुझे, यानी कि अगर आप इसको डेली यूजेज के लिए आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जो कि अच्छे पोर्ट्रेट्स दे, आपको अच्छी फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं उससे, तो आपके लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा भी डिस्प्ले की परफॉर्मेंस और ओवरऑल परफॉर्मेंस की ठीक है, तो बैटरी किस तरह कंज्यूम नहीं हुई और ना ही हीटअप हुई डिवाइस, तो मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी। अब तो आपने ही बताना है कि Y17s के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है। जाने से पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।